ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे शावर मंत्र के बारे में। हनुमान शावर मंत्र, हनुमान शावर मंत्र किसी को भी वश में कर सकता है। मंत्रों की महत्ता के बारे में तो आप जानते ही हैं। हर बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए मंत्र मौजूद है, बस आपको इसका उच्चारण सही करना चाहिए। आज आपको हनुमान शावर मंत्र के बारे में बताएंगे। हनुमान शावर मंत्र क्या है, इसकी महत्ता क्या है और इसका उच्चारण कैसे करना चाहिए। शावर मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और बहुत जल्दी ही परिणाम लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शावर मंत्र गुरु गोरखनाथ जी और नवनाथ 84 सिद्धों ने लिखे थे। यह मंत्र आमतौर पर ग्रामीण भारतीय भाषाओं में है। हालांकि ये मंत्र हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि इस्लाम में और अन्य धर्म में भी है, लेकिन ये बात भी सच है कि मंत्रों का सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी ने ही लिखा था। शावर मंत्रों का जो उद्देश्य है वो मैं आपको बता देता हूं। हनुमान शावर मंत्र एक तरह का वशीकरण मंत्र होता है। शावर मंत्रों में किसी भी व्यक्ति को उन्हें उपयोग में लेने से पहले सिद्धि हासिल कर लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह पहले से ही सिद्ध मंत्र है। सभी शावर वशीकरण मंत्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए या किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सीधे किसी पर नियंत्रण रखने के उपयोग में लाए जाते हैं। शावर वशीकरण मंत्र विशेषज्ञ अपनी इच्छा के अनुसार अपने लिए या आपके लिए शावर मंत्र प्रदान कर सकता है। इतना ही नहीं, शावर वशीकरण मंत्र विशेषज्ञ शावर मंत्रों का उपयोग करने और इनका सही तरीके से उच्चारण करने के दिशा निर्देश भी देते हैं। हनुमान मंत्र और शावर मंत्र दोनों का ही प्रयोग वशीकरण के लिए किया जाता है। हनुमान मंत्र और शावर मंत्र दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं। दोनों मंत्रों में केवल एक ही अंतर है कि हनुमान मंत्र साधने के लिए सिद्धि करना जरूरी है और शावर वशीकरण मंत्र के लिए सिद्धि करने की आपको जरूरत नहीं है। हनुमान मंत्र और शावर वशीकरण मंत्र में एक समानता भी है कि दोनों ही वशीकरण मंत्र विशेषज्ञ द्वारा दिशा निर्देश देने के बाद ही सही तरीके से उपयोग में लाए जा सकते हैं। वशीकरण मंत्र विशेषज्ञ मंत्र बताने के साथ साथ ही उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के निर्देश भी देते हैं। हनुमान मंत्र और शावर वशीकरण मंत्र किसी और के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए तभी सिद्ध किए जा सकते हैं जब इनका सही ढंग से इस्तेमाल हो। आपको उसका गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना है। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार है। भगवान हनुमान के रूप में तेजी, और जैसे तेजी हमारे मन में होती है क्योंकि उनकी गति वायुदेव की तरह है, भगवान हनुमान का अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है जैसे वायुदेव का। भगवान हनुमान बंदरों की सेना के महानायक है। वे भगवान राम के दूत के रूप में विख्यात हैं। वे अतुलनीय शक्ति का भंडार है। वे राक्षसों की ताकत का नाश करते हैं और सभी खतरों से मुक्त करते हैं। तो शावर हनुमान मंत्र दुश्मनों के द्वारा फैलाई गई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की क्षमता रखता है। हनुमान शावर मंत्र का जाप करने के लिए काला कपड़ा पहनकर शुक्रवार से शुरुआत करें। इस मंत्र की माला लें और उस माले का 5 बार जाप करें लगातार 5 दिन तक। साधना के अंत में भगवान हनुमान की पूजा और माला के लिए एक गड्ढा खोदें और जमीन में एक जो माला है उसे डाल दें। अब इसका जो शावर मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। हनुमान जाग किलकारी मार, तुहुकारे राम काज संवारे, ओढ़ सिंदूर सीता मैया का, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तू तब आ, राम गीत तू गाता आ, नहीं आए तो हनुमाना, श्री राम जी और सीता मैया की दुहाई, शब्द सांचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। तो शावर मंत्र बड़ा ही सिंपल है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।